मुझे आज शुरुआत करता हूं कि आज के मुद्दे पर पहले चरण में क्यों नहीं हिंदू मुसलमान चल पाया। डॉक्टर लक्ष्मण जी, अगर नहीं चल पाया हिंदू मुसलमान तो आगे वाले चरणों में चलेगा क्या? बहुत शुक्रिया संजय जी इस बातचीत को आयोजित करने के लिए। और ये सवाल उत्तर प्रदेश के लिहाज से निश्चित तौर पर बेहद अहम है, और उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ पूरे देश की सियासी जो आने वाला कल है उसको बहुत कुछ बहुत हद तक तय करेगा। आज मैं भाषण सुन रहा था, हिंदू मुसलमान की पिच पर खेलने वाले ओपनर बैट्समैन जो आज शायद मुझे जहां तक याद आ रहा है कि वो कासगंज में थे, और कासगंज में वो कोशिश फिर से कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ी सी भाषा बदली हुई। और जो जो फिलहाल दिख रहा है संजय जी, वो जमीन सीधे हिंदू मुसलमान के साथ साथ अपराधीकरण, अपराधियों के लूट लेने, बलात्कार कर लेने और अपराध करने को याद दिलाया जा रहा है, और वह भी उस वक्त याद दिलाया जा रहा है जब गृह राज्य मंत्री के बेटे को 4 महीने के भीतर जमानत दे दी गई हो। न्यायपालिका से लेकर के समाज, इसके बीच में जो आपकी छवि होती है, राजनीति बहुत कुछ वहां से भी निर्धारित होती है, लेकिन इस सब के बावजूद, तमाम कोशिशों के बावजूद, फिलहाल जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने भी समीकरण, किसी भी सियासी जानकार से आप बात करें, वह एक बात तो कह रहा है कि सामने जो दृश्य दिख रहा है उस दृश्य में कहीं से भी यह चुनाव सांप्रदायिक जमीन पर नहीं जा पाया। फिर भी हमें याद रखना चाहिए कि इसकी भरपूर कोशिश की गई है और अभी भी कोशिश की जाएगी। आपके सवाल का जो दूसरा पहलू है संजय जी, कि आगे इसके क्या होगा, पूर्वांचल तक जाते जाते तो यह भरपूर कोशिश की जाएगी कि जाति के सवाल को पीछे करके धर्म के सवाल को आगे किया जाए। इसीलिए देश के किसी और कोने में हिजाब पर जब बहस हो रही हो तो उस हिजाब की बहस को भी उत्तर प्रदेश की राजनीति से जोड़ा जा रहा है। दूसरा एक पक्ष और है जो मैं अपने अपने उत्तर के दूसरे पहलू में कहना चाह रहा हूं कि एक तो दृश्य होता है बड़े बड़े नेताओं के जरिए जो बयान आते हैं, टीवी पर बहसें होती हैं या आपके चैनल जैसे तमाम सरोकारी पत्रकारिता के लोग हैं उस पर भी वो विमर्श होते हैं, लेकिन मुझे कई बार लगता है वरिष्ठ लोग बैठे हैं, अशोक जी हैं, श्रवण जी हैं, सीपी राय साहब हैं, वो लोग इसको और मेरी मेरी इस आशंका पर अगर वक्त मिले तो बयान करेंगे कि जो जमीनी हकीकत होती है, चाय की दुकान से लेकर के गांव के भीतर जो किस्से कहानियां चल रहे होते हैं, जो बातचीत चल रही होती है, कई बार सांप्रदायिकता का एक दूसरा रूप वहां मौजूद होता है। वो जनता जिसको शिक्षा या रोजगार कम जिसे मिला है, जिसे बुनियादी सवालों पर बात नहीं हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि अंदर अंदर एक खतरनाक ढंग से सांप्रदायिक राजनीति की कोशिश की जा रही हो। अगर ऐसा होता है तो ये थोड़ा सा मुश्किल पक्ष है। मेरा अनुभव अभी इसमें नहीं है कि मैं उसको डिकोड कर पाऊं। बाहर से बिल्कुल साफ दिख रहा है कि सांप्रदायिक नफरत की सियासत पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो कि उसका एक बहुत उर्वर जमीन उनके हिसाब से थी, वहां ये नहीं चल पाई है। और मुद्दे पर चुनाव हुआ है, किसानों की नाराजगी उसके एक अहम मसला है, और फिलहाल तमाम बड़े बड़े निजाम भी ये समझ रहे हैं कि उनकी अपना कोर एजेंडा वहां पर सेट नहीं हो पाया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी, क्या क्या चीजें अभी, क्या क्या तर्कश बचे होंगे जिसका इस्तेमाल अभी बाकी होना रह गया है, क्या लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि तर्कश तो बीजेपी के पास, तर्कश जो है उसमें जितने भी तीर हैं वो सब एक ही शैली के, तो बहुत ज्यादा तो उनके पास विविधता नहीं है मुद्दों को लेकर, राजनीति को लेकर। और श्रवण जी बात जो कह रहे थे, मैं उससे थोड़ा सा जोड़ते हुए कुछ बात दूसरे एंगल से कहना चाह रहा हूँ। जो समाजशास्त्रीय पक्ष है इस पूरे सियासत के विश्लेषण का, अगर हम ये समझते हैं कि हिंदू मुस्लिम राजनीति अब हाशिए पर जा रही है, फेल होती दिख रही है, तो यह नहीं है। मेरा कहना यह है कि केवल चुनाव के सत्ता में कौन आया, कौन हार गया, इतना ही नहीं है ये हिंदू मुस्लिम राजनीति। मैं कह रहा हूं कि ये बेहद खतरनाक ढंग से एक पूरी पीढ़ी के भीतर वह गर्मी भर दी गई, कोट अनकोट गर्मी, जो अभी चुनाव तो बचा हुआ है ना, अभी एक चरण है। और मैं बिल्कुल श्रवण जी से बिल्कुल सहमत होते हुए कह रहा हूं
कि राजनीतिक दलों में जो उत्साह दिख रहा है वह तो स्वाभाविक और दिखना भी चाहिए। आप हारती हुई बॉडी लैंग्वेज और देह भाषा से कोई जंग जीत नहीं पाते, आपको जीतता हुआ दिखना भी चाहिए होता है। और यह बीजेपी भी दिखाना चाह रही है, बेशक वो भीतर से नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी वो जीतता हुआ दिखाना चाह रही। और जिनके पक्ष में माहौल दिख रहा है वो तो दिख रहा ही, वो बहुत उत्साहित है। मगर मेरा कहना यह है कि इसके पीछे चीजें बहुत खतरनाक है। मैं और आगे ले जाना चाहता हूं, 10 मार्च 2022 के बाद अगर सत्ता में बदलाव आ भी गया तो उन लोगों का क्या होगा जिनके भीतर आपने सो कॉल्ड गर्मी भर दी है, सांप्रदायिक गर्मी, वो अब सत्ता की कुर्सी मात्र तक बदल जाने से शांत हो जाएंगे? यह कहना मेरे हिसाब से, मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं और मुझे यह दिख रहा है कि हमने एक पीढ़ियों को अपने सामने बर्बाद होता देखा। सुपी राय साहब जब कह रहे थे कि एक दौर था कि अखबार तक से न्यूज में फोटो चलाते थे कि मुलायम सिंह यादव गोली चला रहे हैं, और आज भी उसी पर सारा काम हो रहा है कि कार के ऊपर गोली भूल गए, सब कुछ तो वही है। मैं बस एक एक बात तो ये कहनी थी कि बहुत खतरनाक हमने भीड़ तैयार कर दी। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ और मैं इस दृश्य को देख करके शर्मिंदा हूं कि हमने अपने देश के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में भगवा गमछे और बनाम हिजाब खड़ा कर दिया। अरे इस देश के विश्वविद्यालयों स्कूलों में सरस्वती पूजा आप कराते हो? आप, मैं हिंदी का पढ़ाता हूँ और मैं जानता हूँ कि भक्ति आंदोलन में कबीर, रैदास, बुल्ले शाह और बाबा फरीद कम है, लेकिन राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा भरी पड़ी है साहित्य के नाम पर। फिर कभी उस पर बहस होगी हमारी, लेकिन यह जो आप करते रहे ना, और इसमें सब दोषी हैं, तो ये बहुत खतरनाक है। हाँ, एक बात में आप बिल्कुल ठीक है कि अगर उत्तर प्रदेश को हम सियासी तौर पर बचा पाए तो शायद वो जो समाजशास्त्रीय खतरा हमारे सामने, उससे थोड़ा बच जाएंगे। क्योंकि असल में आप वैज्ञानिक चेतना से युक्त पीढ़ी तो तैयार नहीं कर रहे ना, आप तो धर्म के अंधविश्वास से लैस पीढ़ी तैयार कर रहे हैं। जो सत्ता नहीं भी रहेगी तो शायद वो और खतरनाक ढंग से सड़क पर व्यवहार करें। तो आखिरी में, आपने चूंकि कविता की बात कर ही दी है, कहीं मेरे मेरे साथ ये चिपक न जाए फिर भी मैं सुना ही दे रहा हूँ, साहित्य का विद्यार्थी हूँ, पास की बजाय मैं रमा शंकर विद्रोही की छोटी सी कविता पढ़ रहा हूँ, और इस कविता में भी एक संदेश है जो इस तरह की सांप्रदायिक सियासत, और असल में आपको कल कैसी नौजवानों की पीढ़ी चाहिए जो तार्किक वैज्ञानिक सोच पर हो या गाय गोबर में विज्ञान ढोने वाली। रमा शंकर विद्रोही कहते हैं कि मैं आसमान में, मैं किसान हूं और आसमान में धान बो रहा हूं। लोग कहते हैं पगले, आसमान में धान नहीं उगा सकते। मैं कहता हूं पगले, अगर जमीन पर भगवान उग सकते हैं तो आसमान में धान क्यों नहीं उगते? और अब तो इन दोनों में से एक ही होकर रहेगा, या तो आसमान में धान उगेगा या जमीन से भगवान उखड़ेगा। मुझे लगता है कि ये चुनाव और उसके बाद की परिस्थितियां इस बात को तय करेंगी कि आने वाली पीढ़ियां किस दिशा में जाएंगी। शुक्रिया। बिल्कुल